कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स आपका। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ अनुपात समानुपात, जो कि जनरल कंपटीशन के भी पर्पस से और टीईटी के भी पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है ये, आप बहुत ही आसानी से ये बना सकते हैं। अगर ये चैप्टर आपको क्लियर हो जाता है तो स्टूडेंट्स आपको मिक्सचर जो है उसके बाद आपका पार्टनरशिप बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। तो यहाँ से आप अच्छे से क्लियर हो जाइए पहले अनुपात समानुपात, और इससे आप अगर ये क्लियर कर लेते हैं तो आपको हर एक जगह इसका प्रॉफिट आपको मिलेगा, क्योंकि जब फिर हम प्रॉफिट लॉस पढ़ाएंगे तो वहां भी ये आएगा, फिर आपका टाइम एंड वर्क में भी इसका कॉन्सेप्ट यूज होगा, और डीआई वगैरह पूछ दिया तो वहां भी इसका यूज होता है। तो अनुपात समानुपात जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे अनुपात समानुपात। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अनुपात होता क्या है और इसको किस प्रकार से बनाएंगे, तो सबसे पहले मैं अनुपात का परिभाषा आपको बताऊंगा। तो जैसे अनुपात का आपका डिफिनेशन है, परिभाषा है, समान इकाई की किन्हीं दो राशियों के परस्पर संबंध जिससे यह बोध हो कि दूसरी राशि पहली राशि की कितनी गुनी है, तो उसको क्या बोलते हैं अनुपात। देखिए स्टूडेंट्स, आप अनुपात सेम इकाई वाले क्वेश्चंस में ही, जैसे यहाँ पे 7 मीटर है और यहाँ 5 मीटर है, तो दोनों का क्या इकाई सेम है, 5 मीटर में है यहाँ भी मीटर, तभी आप अनुपात निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे सेंटीमीटर आ जाए तो आपको दोनों को समान रूप में लाना पड़ेगा, आपको दोनों को सेंटीमीटर में बदलना होगा, तब जाके आप यहाँ पे अनुपात निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो दोनों का दोनों सेम राशि में होना चाहिए, तब आप किसी भी संख्या का अनुपात निकाल सकते हैं। ये आपस में एक संख्या का दूसरी संख्या से कंपेरिजन होता है। अनुपात क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा है संबंध जिससे यह बोध हो कि दूसरी राशि पहली राशि की कितनी गुनी है, यानी कंपैरिजन करवाना, पहली संख्या का दूसरी संख्या से कंपैरिजन करवाना ही क्या कहलाता है आपका अनुपात कहते हैं। इसे ये जो दो बिंदु देख रहे हैं इस चिन्ह से इसको सूचित किया जाता है, और जैसे 5 मीटर और 7 मीटर मैंने लिख दिया यहाँ पे, तो उसको आप लिख सकते हैं 5:7, या इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 5/7। तो इस प्रकार से आप अनुपात की परिभाषा समझ गए। अब होता कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत ही आसान आते हैं, तो देखिए किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पर। तो पहले मैं इसको परिभाषा को मिटा लूं, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा। तो ये याद रखना है कि आपके दोनों जो राशि होंगे वो समान होंगे, अगर जिसका भी आपको अनुपात निकालने बोल रहा है किसी संख्या का, तो उसके क्या होंगे आपस में जो राशि होंगे वो समान होने चाहिए, तब आप अनुपात निकाल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए जैसे मैंने ए अनुपात बी का वैल्यू दे दिया आपको 2:3, ठीक है, और बी अनुपात सी का वैल्यू दे दिया मैंने 4:6, ठीक है स्टूडेंट्स। मैंने ए अनुपात बी का वैल्यू कितना दे दिया है 2:3, और बी अनुपात सी का वैल्यू दे दिया मैंने 4:6। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब पूछ रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी इक्वल टू व्हाट, मतलब कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप बड़ी आसानी से ट्रिक से बना सकते हैं। तो क्या करना है स्टूडेंट्स, आप पहले ए और बी को एक जगह लिख लें 2:3। अब क्या करें, बी के सामने में देखिए अब दूसरा है बी अनुपात सी, तो बी के सामने में बी को लिखिए, क्योंकि ए अनुपात बी तो ये था, अब बी के सामने में दूसरा बी लिख दीजिए, और इधर आप सी के सामने यहाँ पे 6 दे दीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपका जो जगह स्पेस छोटा है यहाँ पे यहाँ पे, तो जो संख्या ये संख्या के बाद जगह खाली है, तो यही संख्या आप यहाँ पे रिपीट कर दीजिए। अगर इस खाली स्थान के बाद जो संख्या है तो उस संख्या को आप यहाँ पे लिख दीजिए। यानी अब क्या कीजिए स्टूडेंट्स, अब दोनों को गुना कर दीजिए, 4 × 8, 4 × 3 = 12, और 6 × 3 = 18, नहीं तो अब देखिए स्टूडेंट्स इसमें देखिए कॉमन फैक्टर, अगर 2 से करें तो 2 कॉमन फैक्टर आ सकता है इसमें, 9 और 6, और यहाँ पे सॉरी 2 से 4 हो गया, ये 6 हो गया और ये 9। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे कोई फैक्टर कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू क्या आ गया स्टूडेंट्स आपका, ये आ गया आपका 4:6:9, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीका से आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन और दे देता हूं आपको बनाने के लिए, जैसे ए अनुपात बी का वैल्यू आपको दे दिया 4:3, ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आपको बी अनुपात सी का वैल्यू दे दिया आपको 6:4, ठीक है, और पूछ रहा है कि ए अनुपात सी ज्ञात करें, क्या पूछ रहा है स्टूडेंट्स, ए अनुपात सी ज्ञात करें, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपको। तो आप क्या कीजिए, 4:3 को तो लिखिए ही, फिर क्या आपको मैंने बताया बी के सामने बी को लिखना है, 6:4 लिख लीजिए, ठीक है, जो फिल इन द ब्लैंक्स बच रहा है यहाँ पे खाली स्थान, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट 3 आएगा, और फिर निकाल लीजिए 6 × 24 =
गुणा कीजिए, 18 चार तिहाई 12। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है आपका, देखिए गौर कीजिए तो 6 सम में कॉमन आ जाएगा, नहीं तो 6 चौका 24, 6 त्रिक 18 और 6 दूनी 12, यानी आपका 4:3:2 आया, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी आया आपका 4:3:2। अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहे हैं ए अनुपात सी, तो आप ए का वैल्यू क्या है आपका 4:2, तो आप फिर इसको भी आप तो कॉमन फैक्टर है, इसको 2:1 के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि 2 से कट जाएगा ये, तो यहाँ पे 2:1 ए अनुपात सी का वैल्यू क्या आ गया स्टूडेंट्स 2:1 आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो कई बार क्या होता है कि ये 4-4 टर्म में दे देता है, तो वो भी मैं क्वेश्चंस आपको करवा देता हूं, देखिए किस प्रकार से वो क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे। तो बिल्कुल ये बहुत आसान है स्टूडेंट्स, अगर एक बार आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी अनुपात समानुपात में। ठीक है, अब देखिए जैसे ए अनुपात बी आपको दे दिया, ठीक है स्टूडेंट्स, दे दिया 2:3 दे दिया, बी अनुपात सी दे दिया आपका 4:5 दे दिया, ठीक है, सी अनुपात डी दे दिया आपको 3:2, ठीक है। अब बोल रहा है कि आप ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ज्ञात कीजिए, या तो कुछ भी क्वेश्चन दे सकते हैं, बोलेंगे या तो ए या डी का अंतर बताइए, तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पे दे सकता है। तो अभी फिलहाल हम ये क्वेश्चन ले लेते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये वैल्यू आ जाएगा तो अंतर पूछे चाहे प्लस पूछे, तो वो तो आप वैल्यू निकालने के बाद बना ही सकते हैं। अब देखिए इसको क्या करेंगे, वही काम करेंगे, 2:3 बी के सामने बी लिखेंगे, 4:5 फिर सी के सामने सी लिखेंगे, यानी आपका हो गया 3:2। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 2 स्पेस, यहाँ पे 1 स्पेस खाली है, यहाँ पे 2 स्पेस खाली हुआ, यहाँ पे नहीं, अब क्या कीजिए जो है इसके बाद खाली है, तो 3:3 आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, और सबको गुना कीजिए, 4 × 8 = 24, 4 × 12 = 36, 5 × 15 = 45, 5 × 10 = 30। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए कि अब देखिए कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो यहाँ पे आपको पता लगेगा कि कॉमन फैक्टर आप 3, तो शायद 3 आ सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 3 कॉमन आ गया, फिर आपका यहाँ पे 15 आ गया, फिर यहाँ पे आपका 10 आ गया, अब कोई भी कॉमन फैक्टर इसमें नहीं आएगा। तो अगर यहाँ पे पूछ देता कि ए और डी का अंतर क्या होगा, ए और डी का अंतर ज्ञात करें, ठीक है, तो अंतर अगर पूछ देता है इस क्वेश्चन में, तो ए कितना है स्टूडेंट्स, ए 8 और डी 10, अंतर और माइनस में स्टूडेंट्स अंतर होता है कि इसमें अंतर मतलब होता है 12 में से छोटा, ये याद रखेंगे, तो 10 में से 8 का कितना बच गया स्टूडेंट्स 2। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं स्टूडेंट्स, तो इसको आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए मैं दूसरे क्वेश्चंस जो कि लैंग्वेज टाइप के क्वेश्चंस होता है या कंपैरिजन टाइप का क्वेश्चंस होता है वो मैं करवाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते, अब देखिए मैंने स्टूडेंट अनुपात बताया, अब यहाँ पे आ जाइए, देखिए समानुपात है। ठीक है, जब 2 अनुपात आपस में बराबर हो तो उसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट, समानुपात। समानुपात का सिंबल जो होता है स्टूडेंट्स वो जो है 4 पॉइंट, देखिए आप सिंबल इसको, या आप ए अनुपात बी इक्वल टू सी अनुपात डी दे दिए यहाँ पे, तो इक्वल के जगह पे आप 4 बिंदु को ले सकते हैं, तो यही हो जाता है आपका जो समानुपात। ठीक है स्टूडेंट, समानुपात का सिंबल ये होता है। ठीक है, अब देखिए प्रथम समानुपाती अगर ज्ञात करने के लिए बोल देगा सिंपल सा, तो देखिए एक सतत समानुपाती भी होता है, तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, इसमें क्या होगा 4 वैल्यू देगा। ठीक है, तब प्रथम समानुपाती पूछेगा, 3 दे देगा, चौथा का वैल्यू पूछेगा, उसमें क्या करेगा 3 ही देगा आपको, तो उसमें से पहला का पूछेगा या दूसरे का पूछेगा। ठीक है, कोई एक वैल्यू दे देगा, तो यहाँ पे आपके इसे प्रथम समानुपाती हो गया, तो आप इसको लिख सकते थे क्योंकि बीच में समानुपाती है, तो इक्वल टू साइन, और आपको मैंने बताया था अनुपात को आप जैसे ए अनुपात बी है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ए बाय बी भी लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से मैंने ए अनुपात बी को ए बटे बी लिख दिया, और समानुपात को इक्वल टू का सिंबल दिया, और सी अनुपात डी को क्या लिख दिया मैंने, सी अनुपात सी बटे डी। ठीक है, तो अब ए, ए क्या है यहाँ पे प्रथम समानुपाती है, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा इसमें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है जब बराबर हो बटा, तो ये बी क्रॉस सी इंटू डी हो गया। इसी प्रकार से अगर पूछता कि द्वितीय समानुपाती क्या होगा इसका, सेकेंड समानुपाती द्वितीय समानुपाती, तो वहां पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, द्वितीय समानुपाती के केस में क्या, बी का वैल्यू आप निकालिए, तो यहाँ पे बी इंटू सी इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए इंटू डी, तो आप बी इक्वल टू निकाल सकते हैं ए क्रॉस डी बटे सी। इसी प्रकार से तृतीय पूछेगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए क्रॉस डी इंटू बी, तो आप इस प्रकार से, तो ये तृतीय समानुपाती हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो अगर प्रथम पूछेगा तो ए निकाल देना ए का वैल्यू इस इक्वेशन से, अगर द्वितीय पूछेगा तो बी का, और तृतीय पूछेगा तो सी। तो ये तो सिंपल समानुपाती है, कई बार क्वेश्चन सतत समानुपाती का आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, सतत समानुपाती का आने का चांस सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, देखिए अब इस सतत समानुपाती किसको बोलते हैं, मैंने यहाँ पे डिफिनेशन नीचे में लिख दिया है आपको। ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ पे सतत समानुपात, तीन संख्या ए बी तथा सी में से ए और बी का अनुपात बी और सी के अनुपात के बराबर हो तो ऐसे व्यंजक को सतत समानुपात कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे आपको बोल रहा है कि ए और बी और सी तीन ही संख्या है, जब ए और बी का अनुपात किसके बराबर हो जाए, बी और सी के अनुपात के बराबर हो जाए, तो इसको क्या बोलेंगे, सतत समानुपात। तो इस केस में अगर आपको पूछता है कि प्रथम समानुपात क्या होगा, प्रथम समानुपाती या प्रथम सतत समानुपाती क्या होगा, तो उस केस में आप क्या करेंगे, ए का वैल्यू निकालेंगे। तो ए इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या हो गया, ए क्रॉस सी, क्रॉस कीजिए ये और ये, तो इक्वल टू बी इंटू बी नहीं बटे, अगर ए का वैल्यू पूछ रहा है तो बी इंटू बी बटे सी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर मध्यम समानुपाती, इसको मध्यम समानुपाती या द्वितीय समानुपाती भी बोलते हैं, मध्यम समानुपाती पूछ दे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, मध्यम समानुपाती कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मध्यम यानी बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया ए सी, तो बी इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट, रूट अंडर ए सी। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं स्टूडेंट्स। फिर जैसे अगर आपका तृतीय समानुपाती पूछ दे या अंतिम समानुपाती क्या होगा, तो तृतीय समानुपाती क्या होगा स्टूडेंट्स, कि आपका सी का वैल्यू निकाल लीजिए, तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बटे ए। तो यहां से फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चंस आते हैं, तो ये बहुत मध्य समानुपाती कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, तो रूट ओवर क्या करेंगे, अगर मध्य समानुपाती पूछा है तो बी इक्वल टू रूट ओवर जो वैल्यू आपका दिया है उसको गुणा करके आप रूट ओवर निकाल लेंगे, तो आप आसानी से मध्य समानुपाती का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं कुछ लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आपको करवा दूं जो कि अनुपात समानुपात में बराबर आ जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको देखते रहिए लगातार। ₹320 को ए और बी के बीच में 3:5 के अनुपात में बांटा जाना है, ए का भाग बी के भाग और ए बी के भाग में अंतर क्या है। तो स्टूडेंट्स इसको डायरेक्ट अगर अंतर पूछता है तो वो भी बना सकते हैं, नहीं तो अगर आप अलग अलग पूछ रहा है ए और बी का तो आप आराम से निकाल सकते हैं। टोटल कितना वैल्यू दे दिया स्टूडेंट्स, 320, और पूछ रहा है 3:5 में ए अनुपात बी का कितना वैल्यू दिया है आपको, 3:5, यानी ए का रेशियो क्या है आपका 3 और बी का रेशियो क्या है 5 है। अगर पूछ रहा है कि टोटल भाग ए का क्या होगा, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए रेशियो क्या है 3, लेकिन टोटल कितने में है वो, यानी टोटल ए और प्लस बी दोनों का है कुल, क्योंकि कुल यहाँ पे 320 दे दिया, तो आपको कंपेरिजन भी कुल से ही कराना होगा तभी आपका ए का मान आएगा। तो ए का मान क्या होगा स्टूडेंट्स, आपका 3/5 3 8 गुने क्या हो गया यहाँ पे 320। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स क्या हो गया, तो ये आपका हो गया 40, और 40 को 3 से गुना करेंगे तो 120। ए का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स, 120। उसी प्रकार से अगर हमको बी का वैल्यू निकालना होगा तो उसको बी को हम अंश का रूप में लिखेंगे यहाँ पे 5/ टोटल वैल्यू 5 3 8 गुने कितना कर देंगे जो दिया हुआ गिवेन वैल्यू है, ठीक है 320। तो यहाँ पे हो गया 40, और 40 को 5 से गुना करेंगे तो क्या हो गया 200 आ गया। ए का भाग क्या हो गया स्टूडेंट, 120, और बी का भाग कितना हो गया 200, दोनों मिला के 320 है पुर गया। अब पूछा है दोनों भागों में अंतर कितना है, तो दोनों भाग का अंतर क्या होगा स्टूडेंट्स, बड़ा में से छोटा घटा लीजिए, 200 में से 120 गया, तो कितना आ गया आपका आंसर 80। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर डायरेक्ट यहाँ तो ए का भी मान पूछा, बी का भी पूछा, और आपका दोनों का अंतर भी पूछा, इसलिए मैंने इस प्रोसेस में किया। अगर डायरेक्ट हमको पूछेगा कि दोनों का अंतर क्या होगा, तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि डायरेक्ट रेशियो का अंतर, डायरेक्ट रेशियो का अंतर कितना है 5 में से 3 गया 2, बट टोटल मान कितना हो गया 5 3 8 है गुने 320। तो यहाँ पे करेंगे तो देखिए स्टूडेंट 40 × 80 नहीं, तो यहाँ से भी आपका डायरेक्ट आंसर 80 आ गया, और यहाँ आप दोनों को घटाने के बाद 80 लाए। ठीक है, तो आपको जो भी विधि आसानी से बन जाए, जो भी आपको समझ में आए, तो आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, डायरेक्ट आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, अमर तथा सुरेश के भागों में 3:2 का अनुपात है। ठीक है, यदि अमर का भाग सुरेश के भाग से ₹500 अधिक हो तो सुरेश का भाग कितना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे अमर है और दूसरा क्या है आपका सॉल्यूशन में, अमर है और अनुपात क्या है सुरेश का अनुपात है। ठीक है, कितना कितना का रेशियो दिया है, 3:2 का रेशियो दिया है,
और बोला कि यदि अमर का भाग सुरेश के भाग से 500 रुपया अधिक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अमर का भाग बोला सुरेश के भाग से कितना अधिक है, 500। तो देखिए रेशियो में कितना अंतर है आपका, एक का अंतर है नहीं, तो एक भाग आपका अंतर है, लेकिन आपका वैल्यू किसका दिया हुआ है। तो यदि अमर का भाग सुरेश के भाग से 500 रुपया अधिक है तो सुरेश का भाग कितना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको नहीं तो इस प्रकार से पहले आपको जो उससे भी आसान है, तो यहाँ पे देखिए 2x। ठीक है, अब बोला यदि अमर का भाग सुरेश के भाग से 500 रुपया अधिक हो, तो यानी 1x इक्वल टू क्या होगा, इतना ही अधिक है रेशियो में, आप x लिख सकते हैं, 3/2 को x भी दे देंगे तो कोई दिक्कत है नहीं, x कट गया। तो यहाँ पे आपका x इक्वल टू दोनों का अंतर यही हो गया, आपका सुरेश के भाग से 500 अधिक है वही अंतर हो गया दोनों में, तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना आ गया, 500। अब पूछ क्या रहा है, सुरेश का भाग कितना होगा, तो सुरेश का भाग देखिए कितना है, 2x है, तो 2 × 500, तो कितना आ गया स्टूडेंट्स, 1000 आंसर हो गया। ठीक है, अगर डायरेक्ट भी अगर इस टाइप के क्वेश्चंस पूछता तो यहाँ पे देखिए सुरेश का रेशियो क्या है, 3:2 है, यानी 2 रेशियो सुरेश का है, तो जो पूछता है उसको अंश में रखेंगे, और जो आपका वैल्यू यानी अंतर दिया हुआ है अधिक है, यानी अंतर दिया हुआ है, यानी वो अंतर कितने का, 1, और आपका वैल्यू कितना दे दिया है आपका यहाँ पे अंतर का, वो दे दिया आपका 500। तो डायरेक्ट भी आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो 2 × 500 कितना हो गया, 1000 रुपया, यानी सुरेश का भाग कितना हो गया आपका, 1000 रुपया। चाहे इस विधि से बनाइए चाहे इस विधि से बनाइए, तो यहाँ पे क्या था, 3:2 था, तो एक्स अपने मन से ले लिए, तो 2x इक्वल टू, और अंतर बोला है क्योंकि ये बोला है सुरेश के भाग से 500, अमर का भाग सुरेश के भाग से 500 रुपया अधिक है, यानी x यहाँ रेशियो में अधिक है वही 500 के बराबर है, और 500 के बराबर है तो 2x आप निकाल सकते हैं, सुरेश का भाग पूछ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बना सकते हैं। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन से मैंने फिर लिखा है आपको, पेंसिल कलम तथा अभ्यास पुस्तिका का अनुपात किसी दुकान में 10:2:3 है, यदि उस दुकान में 120 पेंसिल हैं तो अभ्यास पुस्तिका की संख्या कितनी है। अब देखिए क्या अनुपात है स्टूडेंट्स, पेंसिल का है, पेंसिल अनुपात आपका दे दिया है कलम, और फिर अनुपात क्या दे दिया है, अभ्यास पुस्तिका। ठीक है, सॉल्यूशन में देखिए स्टूडेंट्स यही दिया है आपका, ठीक है सॉल्यूशन में कर रहा हूं यहाँ पे, तो पेंसिल का रेशियो क्या दे दिया, 10, यहाँ 2 और यहाँ पे क्या दे दिया, 3, तो इसी उसके सामने मैंने लिख दिया, यानी पेंसिल किस रेशियो में आपका है वो दुकान में, यानी आप x अपने मन से लिख सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया क्योंकि ये बटे में x x की जगह कट जाएगा, तो उस दुकान में 120 पेंसिल है, कितना पेंसिल है, 120, यानी 10x, यही रेशियो कितना के बराबर है, 120 के बराबर है, तो x इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट्स, x इक्वल टू क्या हो गया आपका, 12 हो गया। अब पूछ क्या रहा है आपको, अभ्यास पुस्तिका, तो 3x है स्टूडेंट्स, तो 3 × x का वैल्यू आपने 12 निकाला, यानी अभ्यास पुस्तिका की संख्या कितनी हो गई, 36। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से यहां से सॉल्व कर सकते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस और लिखवा देता हूं अभी, जो कि आपको बड़ी आसानी होगी सॉल्व करने में। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स मैंने यहां पे अभी आपको 3 क्वेश्चंस दिया है, अगर आप चाहते हैं कि कॉपी में मतलब इसको लिख लें तो आप पॉज करके इस वीडियो को अच्छे से इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, तो आपको क्या होगा कि आप जब प्रैक्टिस कीजिएगा फिर दोबारा तो आपको आसानी होगी, तो आप प्लीज पॉज करके इस वीडियो को रोक के आप लिख लें इस क्वेश्चन को, फिर मैं इसका सॉल्यूशन करवाऊंगा, उसको आप अच्छे से देखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स मैं यहां से आपका क्वेश्चन नीचे से ही बनाता हूं, स्पेस खाली होते जाएगा तो मैं ऊपर शिफ्ट कराते जाऊंगा। एक थैले में क्या है स्टूडेंट्स, 20 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये के नोट हैं। एक थैला में क्या बोला कि 20 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये के नोट हैं, तो 20 रुपये का नोट है स्टूडेंट्स। अगर यहाँ पे देखिए, अगर पैसा की कई बार रुपया दे देता है पैसा भी दे देता है, ठीक है, तो आपको क्योंकि मैंने बताया था कि अनुपात सबका सेम राशि होना चाहिए, अगर रुपया में है तो सब रुपया में होना चाहिए तीनों राशि, ठीक है, अगर पैसा में तो तीनों पैसा में होना चाहिए, तो यहाँ आपका सिंपल है कि ये तीनों आपके रुपया में ही है और कुछ नहीं करना है, 20 रुपया हो गया, फिर आपका जो है आपका 10 रुपया है, फिर आपका क्या है 5 रुपये, ये 3 तरह के आपके पास रेशियो में नोट है एक थैला में, और ये कितने रेशियो में दिया हुआ, 3:4:5, यानी 20 रुपये का 3 है तो 10 रुपये का क्या है 4 नोट है, और 5 रुपये के कितने नोट है 5 नोट है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए ये 3:4:5 के रेशियो में है, तो रेशियो में आप अपने मन से भी एक्स लगा सकते हैं, क्योंकि ये रेशियो स्टूडेंट्स कोई जरूरी नहीं है कि ये कितने संख्या में होगी,
क्योंकि 1000 पुराना है, हो सकता है इसमें 2x के जगह 22 सभी मल्टीप्लाई हो, मान लीजिए हो सकता है यहाँ पे 6:8:10 हो, तो इसका भी रेशियो क्या हो जाएगा 3:4:5 ही होगा, तो कुछ भी हो सकता है। तो x आप अपने मन से वहां पे लिख लें, टोटल कुल धन कितना है आपका 1000 रुपया के बराबर है। तो यदि 20 रुपया के तीन आपके तीन, मान लीजिए कि 20 रुपया के तीन के रेशियो में नोट है, तो ये टोटल कितना हो गया आपका 60x, ये क्या हो गया गुना कर लीजिए 40x, और ये कितना हो गया स्टूडेंट्स 25x, और इसका वैल्यू आपको कितना दे दिया टोटल 1000 रुपया दे दिया, ठीक है। अब इसको जोड़िए तो कितना हो गया स्टूडेंट्स 125x इक्वल टू कितना आ गया आपका 1000, तो आप x इक्वल टू लिखिए 1000/125, तो कितना आ गया स्टूडेंट्स, कितने बार में कट जाएगा, शायद ये 8 बार में आपका कट गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर पूछ रहा है कि 5 रुपए की नोट हो तो रेशियो में कितना था 5 रुपए के नोटों का 5x, और आपने x का वैल्यू 8 निकाल दिया, तो 5×8 कर लीजिए यानी कितना हो गया 40, यानी 5 रुपए के नोटों की संख्या कितनी हो गई आपके पास 40, तो यही आपका आंसर हो गया 5 रुपए। तो क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले रुपया का रेशियो लिख लीजिए, फिर कितना के रेशियो में है वो, तो उसको आप x मान के लिख लीजिए, दोनों को गुना करके जोड़ दीजिए और जो वैल्यू दिया है वहां पे निकाल लीजिए, तो ये टोटल रुपया का वैल्यू है, ठीक है। तो x का वैल्यू यहां से निकल जाएगा तो 8 आ गया, तो यहां पे सिर्फ पूछ रहा है आपका 5 के कितने नोट है, जो कि 5x के रेशियो में है यहां पे, तो 5×x का वैल्यू 8 गुना कर दिए कितना आ गया आपका 40 आ गया। तो ये टाइप का क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, तो इसको आप एक बार थैले वाला जो है ये आप जरूर देख लें। अभी देखिए स्टूडेंट्स, ये भी जो सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, वो भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गाय और जो है आपका, देखिए यहाँ पे कुछ मुर्गियां हैं, गाय है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, सिर तो सबके पास एक ही है, चाहे गाय हो चाहे मुर्गा हो, सिर एक ही है, लेकिन मुर्गा के पास पैरों की संख्या कितनी होती है, मुर्गे के पास पैर कितना होता है, पैर कितना होता है 2, लेकिन गाय के पास कितना होता है, गाय के पास 4 हो जाता है, नहीं 4 पैर हो जाता है। तो आप देखिए कुल सिरों की संख्या 55 है, तो यहां पे आप मान सकते हैं कि माना कि गायों की संख्या, अगर गायों की संख्या x मान लेते तो सिरों की संख्या भी x ही होगी, अगर यहां दोनों मिला के 55 है तो मुर्गे की संख्या कितनी हो जाएगी, मुर्गे की संख्या कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स 55-x, इतना तक समझ गए, क्योंकि गाय x है तो दोनों मिला के 55 है तो मुर्गा जरूर होगा 55-x ही हो जाएगा। अब बोलता है कि दोनों के पैरों की संख्या कितनी है 160 है, तो मुर्गे के पास 2 पैर, गाय के पास 4 पैर, यानी अगर x है गाय तो उसके पास 4 मल्टीपल में उसके पैर होंगे, तो 4×x प्लस मुर्गे की संख्या 55-x है, इसका मतलब है इसका 2 के मल्टीपल में इसके पैर की संख्या होगी इक्वल टू टोटल वैल्यू आपको कितना दिया हुआ 160 कर लीजिए, और यहां पे x का वैल्यू निकाल लीजिए 4x+110-2x=160। फिर देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे हो जाएगा 2x इक्वल टू क्या हो गया 160-10, यहां 110 घटाइएगा इधर जाके तो कितना हो गया स्टूडेंट्स 50, और x इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट्स 25, यानी गायों की संख्या कितनी हो गई, और यहां पे पूछ क्या रहा है कितनी गाय हैं, तो गाय की संख्या माने थे x, और x इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट्स 25, यानी गायों की संख्या 25, और जो शेष बच गया यानी 55-25 गया यानी 30 क्या हो गया, मुर्गे की संख्या कितनी हो गई 30। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं स्टूडेंट्स, तो बहुत ही आसान है, तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं इसको मिटा देता हूं, अगर एक बार में नहीं आता है समझ में तो आप दोबारा पॉज करके वीडियो प्ले करके रिप्ले करके देखिए, तो आपको जरूर समझ में आएगा ये, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे जो रेशियो है वो किस में दे दिया आपके, बटे के रूप में दे दिया, बटा के रूप में यहाँ पे रेशियो दे दिया है, तो आप इसको पूर्ण संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसे आपका है एक व्यक्ति अपनी मासिक बचत कितना 846 रुपये है, को अपने दो पुत्र, कितना है दो पुत्र, पुत्र 1 और दूसरा पुत्र 2 में लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है, और तीसरी है पुत्री, इसको क्या करता है 1/4, 1/5 और 1/3 के रेशियो में अपना प्रॉपर्टी जो भी बचत होता है वो अपना इस सब के बीच में बांटता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको पूर्ण बनाने के लिए क्या करते हैं कि इसके नीचे वाले जितने भी संख्या है उसका एलसीएम निकालिए, तो 4, 5 और 3 का जब एलसीएम निकालेंगे, तो मैंने आपको बताया था एलसीएम का ट्रिक में कि वो सबसे बड़ी संख्या का गुणक ही होगा जिसमें इन तीनों से भाग लग जाएगा, तो गौर कीजिए, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मुझे लगता है, तो अगर आप करते हैं तो 5 के गुणक में देखिए 15 करते तो 4 से लगेगा नहीं, 20 में भी नहीं लगेगा, फिर 25 में भी नहीं लगेगा, फिर 30 में भी नहीं लगेगा, 35 में भी नहीं लगेगा, 40, फिर 3 से नहीं लगेगा वहां पे, फिर 45 देखिए करके
तो 45 में फिर 4 से नहीं लगेगा, तो इस प्रकार से नहीं तो ये छोटा सा है तो गुणा ही कर ही लेते हैं। तो ये आपका 2 × 2 = 4, 5, तो यहां तो आपका गुणक ही हो जाएगा, यानी सब अलग अलग ही है तो आपका वही हो गया 60। नहीं तो 60 से सब में क्या कीजिए, 4, 5, 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 से गुणा कर दीजिए सब, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 20 हो गया, यहाँ पे हो गया आपका 12, और यहाँ पे कितना हो गया 15। तो रेशियो कितना आ गया, 15:12:20, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये तीनों दोनों पुत्रों और बेटी का जो पुत्री है उसका रेशियो आ गया 15:12:20। अब क्या बोलता है, अनुपात व्यक्त करता है पुत्री का भाग क्या, तो पुत्री का भाग रेशियो में क्या है स्टूडेंट्स, 20। टोटल भाग कितना हो गया इसका, ये तीनों को जोड़ लीजिए, 15 + 12 + 20, यानी कितना हो गया आपका 35, और 12 हो गया 47, ठीक है स्टूडेंट्स, और 47 हो गया, और यहाँ पे आपका टोटल 846 है, इसी का भाग है क्योंकि ये रेशियो इसके बराबर है। तो आपका निकालना क्या था, उसको अंश में, जो भी निकालना है उसको आप अंश में लिखेंगे, और अगर जो मान दिया है उसको हर में लिखेंगे। तो यानी टोटल बचत का मान दिया हुआ है, तो यहाँ पे रेशियो भी टोटल बचत का करेंगे, यहाँ पे लिख दिया, और जो वैल्यू है गिवन वैल्यू उससे हम गुना कर देते हैं, यानी आपका 20 बटे कितना हो गया स्टूडेंट, 47 × 840। इसको काटने का प्रयास कीजिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एक बार में आप देखिए यहाँ पे काट के, तो 47 को 846 को काटेंगे तो एक बार में 47 हो गया, यहाँ 14 में 7 गया 7, और यहाँ 7 में से 4 गया 3, फिर यहाँ पे आपका आ गया, तो यहाँ पे देखिए 8 बार में मुझे लगता है 7 × 8 = 56, तो कटने का प्रयास है 47 × 8 = 56, 8 × 56 = 5, 8 × 32 = 37, तो बिल्कुल मैंने सही यहाँ पे अंदाजा लगाया कि 18 बार में ये कट जाएगा, तो ये 18 बार में कट गया, तो 18 को 20 से गुणा करेंगे तो 360, यानी पुत्री का भाग कितना रुपया का हो गया स्टूडेंट, 360 रुपये का। तो रेशियो का क्वेश्चन इस तरह से आप बनाते हैं, जो क्वेश्चन रेशियो निकालने का देगा उसको अंश में रखेंगे, और जो वैल्यू दिया हुआ है यहाँ मासिक बचत, यानी तीनों का रेशियो के बराबर ही उसकी मासिक बचत है, तो तीनों का रेशियो का योगफल करेंगे और जो भी वैल्यू है उसको गुना कर देंगे तो उसका वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। अगर पुत्र 2 का रहता तो 12 लिखते ऊपर पे, नीचे में फिर 47 गुने क्या करते 846, फिर क्या हो जाता ये 18 बार में, फिर 18 गुने 12 करेंगे वो पुत्र 2 के लिए आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को बनाते हैं। तो मैंने जितना जो भी इंपॉर्टेंट टाइप्स है मात्र आपको 7 से 8 क्वेश्चंस में मैंने करवा दिया है, ऐसे आप जो भी बुक है आपके पास वो बनाने का प्रयास कीजिए, सारा बन जाएगा मुझे लगता है इस कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट आपका टॉपिक पार्टनरशिप पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये दोनों रिलेटेड टॉपिक है, तो लगातार मैं दूसरा जो भी वीडियो डालूंगा 1 से 2 दिन के अंदर तो वो पार्टनरशिप का होगा स्टूडेंट्स। तो आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।